देखो इसके अंदर टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। हमने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला टाउ की फॉर्म में ये था, हमने ओम लॉ से निकाला था लास्ट टाइम। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जब मेटल्स में कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की मूव करने की, स्पीड बढ़ती है और टाइम टक्कर का कम हो जाता है, कोलिजन जल्दी हो जाती है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम गिर जाएगा। अगर टाउ कम होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन शॉर्ट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है यहाँ तक, तो ये रीज़न भी समझ में आ गया, अगर लिखने को आ जाए रीज़न लिख लेंगे। ठीक, दूसरा, किसी भी कंडक्टर के अंदर, फॉर एनी कंडक्टर, मान लो आपके पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ओ है, आर ज़ीरो है, आर ज़ीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0°C। आपने टेम्परेचर 0°C से कितना कर दिया, T°C, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आर ऑफ टी हो गई, तो आर जीरो से कितनी हो गई, आर ऑफ टी हो गई। क्लियर है? तो देयर विल बी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज क्या आया, आर टी माइनस आर ओ। क्लियर है यहां तक? ये आप नोट करें कि डेल्टा आर जो होता है ना, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि आपकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी एट 0°C। जितनी ओरिजिनल थी जीरो पे उतना ही चेंज ज्यादा होगा, एंड ये डिपेंड करेगी जितना आप राइज इन टेम्परेचर करेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका डेल्टा आर भी उतना ही बढ़ेगा। और अगर मैं इन्हें कंबाइन कर दूं, कंबाइन करके डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर जीरो इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब आपका जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर के इंक्रीज पे भी डिपेंड करेगी, तो यहां पे क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या शो करता है, कांस्टेंट का मतलब मटेरियल। आपकी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आर एट जीरो पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के इंक्रीज पे भी डिपेंड करेगी और मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी कि आप किस मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो उस मटेरियल के लिए इस कांस्टेंट का नाम पुट किया जाता है अल्फा। अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हर मटेरियल का कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है तो उसका डेल्टा आर भी ज़्यादा है, अल्फा की वैल्यू अगर कम है उसका डेल्टा आर भी कम है। और अगर हम इसे कंबाइन कर लें या इसे रिजल्ट बनाएं तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर जीरो इंटू डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब है आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ जीरो अल्फा इंटू आर ऑफ जीरो इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आर ऑफ टी विल बी इक्वल टू आर ऑफ जीरो राइट साइड पे चला गया, तो आपके पास क्या टर्म आ गई, अल्फा इंटू आर ऑफ जीरो इंटू डेल्टा टी, या आर ऑफ टी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट जीरो वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखा लगता है, प्लस वन का चैप्टर था थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन से ही रिजल्ट आया है, सेम। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए आपकी बुकलेट में क्या लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस एट T°C इज रेजिस्टेंस एट 0°C इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो आर ऑफ टी का मतलब रेजिस्टेंस एट T°C, आर जीरो का मतलब रेजिस्टेंस एट 0°C, अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, एंड डेल्टा टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो रिजल्ट है वो मैंने किसके लिए लिखा, रेजिस्टेंस के लिए लिखा। सेम रिजल्ट रेजिस्टिविटी के लिए भी आएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कनेक्ट आपस में रिलेटेड है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, तो रो कैसे बढ़ेगा, सेम फॉर्मूला, रो एट T°C इज रो एट 0°C वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब ये अल्फा और ये अल्फा में फ़र्क है,
ये जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो अल्फा है वो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको इसमें ढूंढनी नहीं होती, गिवन होता है। क्लियर है? अल्फा के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? अल्फा देखो, एक काम करो, इसे ओपन कर दो। आर ऑफ टी इज आर ऑफ ज़ीरो प्लस आर ऑफ ज़ीरो अल्फा इनटू डेल्टा टी, या फिर आर ज़ीरो अल्फा इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ ज़ीरो, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आर ऑफ टी आर ऑफ ज़ीरो आर ज़ीरो डेल्टा टी। तो मैंने क्या कर लिया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये इसके यूनिट्स ओम में, इसके यूनिट्स ओम में, टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस, तो वन अपॉन डिग्री सेल्सियस या वन बाय केल्विन एक ही बात है। तो अल्फा के जो यूनिट्स होंगे सेल्सियस रेज टू पावर माइनस वन या केल्विन रेज टू पावर माइनस वन रहेंगे। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो दो फॉर्मूलाज क्लियर हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स एनसीईआरटी या कोई भी अच्छी बुक लोग, एच सी वर्मा, उसके अंदर सारों में गिवन है, और उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आ जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव नीट और मेंस के अंदर भी वन लाइनर जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो इसमें से आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, पर एनसीईआरटी की बुक से है तो इसलिए इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्स हैं। जैसे मेटल्स के लिए, मेटल्स की बात हो रही है, मेटल्स का जो रो होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है? 10^-8 के आसपास होता है। सेकेंड फैक्ट है, मैनी मेटल्स के लिए, काफ़ी मेटल्स के लिए अल्फा 4×10^-3 के आसपास होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल जो होती है वो कम होती है किससे? एलॉयज से। तो एलॉयज से कम होगी, ये पॉइंट आपने ध्यान में देखना है एक बार। तो ये फैक्ट याद रखना है, एलॉयज की हमेशा जो प्योर मेटल्स हैं उसकी लेस होती है एलॉयज से। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कॉपर की ऐसे इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की ऐसे इंक्रीज होती है। आप कहोगे सर फिर बाकी मेटल्स की? मुझे नहीं पता कैसी होती है, दो ही ग्राफ गिवन है, मैंने दो ही ड्रॉ कर दिए, तो अगर आएगा तो दोनों में से आएगा। भाई जो एनसीईआरटी किताब लिख रही है उसी में से आएगा, तो दो मेटल्स हैं दोनों के आप नोट कर लें बस, अगर वेरिएशन प्लॉट करने को आ जाए पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अल्फा, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी मेटल का हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की। तो हमने रेजिस्टेंस का इंक्रीज देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमने देखा, कोई डाउट इसमें? अब इसमें सेमीकंडक्टर का क्या होता है या इंसुलेटर का क्या होता है, इसको एक बार देखते हैं। देखो इंसुलेटर का तो कुछ नहीं होता, होता तो सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो लिख तो दिया इंसुलेटर बट फायदा नहीं है, तो बात सेमीकंडक्टर की करते हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा अलग फिनोमेना चलता है, हम ये नवंबर दिसंबर में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल आखिरी यूनिट है आपका, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि सेमीकंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनके बहुत सारे सिलिकॉन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से ही एनर्जी लेके ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जबकि मेटल्स के अंदर ऐसा होता नहीं है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्री होता है, पर सेमीकंडक्टर में तो ज़रा सा टेम्परेचर इंक्रीज करो लाखों लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो जब लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो, जो कि कंडक्टर में ऐसा होता नहीं, तो आगे देखते हैं इससे क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जबकि कंडक्टर में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड में फर्क पड़ता था, टाउ कम होता था, सेमीकंडक्टर का टाउ चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर से, पहला फैक्टर। तो सेमीकंडक्टर किससे अफेक्ट होता है? बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं और एक्सपोनेंशियली नंबर डेंसिटी का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से लाखों बॉन्ड टूटते हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इससे क्या होता है? तो फॉर्मूला है, ये रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी के अंदर टाउ तो हमने देखना ही नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का टाउ तो चेंज ही नहीं होता। सेमीकंडक्टर में एन ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, कंडक्टर्स में नहीं बढ़ता था एन, एन कॉन्स्टेंट होता है कंडक्टर में, उसमें कौन सा धूप में या टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन इंक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर में एन बढ़ जाता है।
जब एन बढ़ता है तो रो क्या हो जाता है, गिर जाती है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि सेमीकंडक्टर को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस गिर जाती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तभी तो सोलर पैनल्स काम करते हैं, क्योंकि जितनी धूप पड़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी एन ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट आराम से फ्लो कर पाएगा। कंडक्टर में उल्टा होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रो इंक्रीज होता है, इसमें रो कम होता है, उल्टा वेरिएशन है बिल्कुल। तो ये याद रखना है आपने, पहला पॉइंट। दूसरा, वो कह रहे हैं जो बॉन्ड्स टूटते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो एक्सपोनेंशियली होते हैं। तो कैसे होते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आता नहीं है, हाँ, पर ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप समझ सकते हैं मैथ्स के स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, एंड ईजी पे डिपेंड करता है। ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये हम भी करेंगे और केमिस्ट्री वाले भी सिखाएंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, वो वैलेंस बैंड में होता है। आप एनर्जी दो, एनर्जी देके वो क्या कर जाता है, वो फ्री हो जाता है, उस एटम से निकल जाता है। आप एनर्जी दें, एक्साइट होता है, आयनाइज हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और वो फ्री हो जाता है। तो जब वो फ्री बन जाता है तो आपने कितनी एनर्जी दी उसको फ्री बनाने के लिए, उसको ईजी बोलते हैं, बैंड गैप। तो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने की एनर्जी, एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, यानी कि एक बॉन्ड तोड़ना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, बॉन्ड तोड़ना इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, ई ऑफ जी बोलते हैं, बैंड गैप एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? तो बैंड गैप एनर्जी समझ में आया क्या होता है? तो एक जो सेमीकंडक्टर्स है उसमें बैंड गैप की एनर्जी बहुत कम होती है, ज़रा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हाई हुआ, ईजी इतना लो है कि फटाफट अपने आप ही बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, एट रूम टेम्परेचर ओनली। तो ये एन का फॉर्मूला है, बताने के लिए बताया, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो रेजिस्टिविटी ऐसे चेंज होती है सेमीकंडक्टर की, ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होता, पर हाँ ठीक है, अगर मार्क करने को आ जाए तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो नॉट एट 0°C इनटू बैंड गैप अपॉन के इनटू टी होती है, यूज़ नहीं होता, वो अलग बात है। एनर्जी गैप, एक सिलिकॉन के बॉन्ड्स बने हुए हैं सेमीकंडक्टर में, बॉन्ड बने हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स के अंदर है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी ईजी होती है, बैंड गैप एनर्जी, ठीक। चलो, इन एनी केस इसमें इतनी ड्रिल में नहीं जाने की जरूरत, बस ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स का रो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ और सेमीकंडक्टर्स का रो कम होता है टेम्परेचर के साथ, बस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर ये बैंड गैप, एक लाइन एक्स्ट्रा है वैसे ये हम बाद में करेंगे, अगर किसी भी कोई भी सेमीकंडक्टर लें, उसमें जो बैंड गैप है मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की एनर्जी 1 eV से कम है, तो वो सब्सटेंस सेमीकंडक्टर होता है। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दूं, सेमीकंडक्टर में बैंड गैप एनर्जी 1 eV से कम रहती है, और ये एनर्जी आप नॉर्मल रूम के टेम्परेचर से भी एक्वायर कर सकते हो। इसीलिए सिलिकॉन के बॉन्ड बहुत जल्दी टूटते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बॉन्ड बहुत जल्दी टूटते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तोड़ने के लिए वो तो वैसे मिल जाती है उससे। तो ये एनर्जी कितनी होती है, 1 eV से कम होती है। अगर 1 eV से ज़्यादा एनर्जी है, तोड़ने की एनर्जी 1 eV से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वो सब्सटेंस क्या माना जाएगा, इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर से नहीं मिलती, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब भी नहीं मिलती। आप किसी इंसुलेटर को ले आओ, प्योर इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन आप फ्री कर ही नहीं पाएंगे, जितनी मर्जी एनर्जी दे दें वो फ्री नहीं हो सकता। तो वो इंसुलेटर है, अगर फ्री हो गया फिर तो वो कंडक्टर ही हो गया, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, जो कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, जो कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने किया था अल्फा, वो सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और कार्बन के लिए भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ये फॉर्मूला हमने किया। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, किसी भी कंडक्टर की, कंडक्टर का अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। तो सोचो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
तो आर ऑफ टी विल इंक्रीज. लेकिन अगर आप बात करते हो किसी भी सेमी कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर में ये जो वैल्यू होती है अल्फा की वो पॉजिटिव की बजाय क्या होती है? नेगेटिव. तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर आपकी ये टर्म बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है? कम. तो कंडक्टर में ये अल्फा पॉजिटिव पाया जाएगा, सेमी कंडक्टर में नेगेटिव. तभी तो आर की वैल्यू कंडक्टर में बढ़ेगी, सेमी कंडक्टर में कम होगी. कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, फैक्ट्स आएंगे. ठीक. तो ये ग्राफ है रेजिस्टिविटी का सेमीकंडक्टर के साथ टेम्परेचर का गिरना. एज यू इंक्रीज दी टेम्परेचर रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में कैसे डिक्रीज होती है, ये वेरिएशन आपने याद रखनी है. ठीक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आता है एक नंबर में, कि अलॉयस लाइक कॉन्स टैंटन या मैगनिन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल. जो रेजिस्टेंसेज यूज करते हैं ना, बड़ी बड़ी रेजिस्टेंसेस, वो इन अलॉयज की बनी होती हैं. ऐसा क्यों? प्योर मेटल नहीं है, अलॉयज के साथ बनाया जाता है और ये अलॉयज यूज किए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, सपोज करो मैं एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था. उस लैब में मेरे को एक रेजिस्टेंस की कॉइल चाहिए थी जिसकी वैल्यू थी 200 ओम, 200 ओम. तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. मैं नहीं चाहता कि वो 200 ओम की वैल्यू चेंज हो, मेरे को कांस्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट में. हुआ क्या, सुबह 11 बजे थे, टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस था, 2 बज गए एक्सपेरिमेंट करते करते, टेम्परेचर हो गया 46. 6 डिग्री में तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज. 200 की जगह होता 220 हो जाए, मेरे तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ना. तो मैं एक ऐसा मटीरियल यूज़ करूँगा जिसमें वायर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी चेंज ना हो, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव मेटल होगा, अगर वो ऐसा मेटल अलॉय होगा, ऐसा मटेरियल होगा जो कि रूम के, जो कि डे टेम्परेचर के साथ ही रेजिस्टेंस चेंज करता है, फिर तो मैं एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाऊंगा अपना. तो मैं ऐसा यूज़ करूंगा जिसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज ना हो, थोड़े बहुत टेम्परेचर में तो बिल्कुल भी चेंज ना हो. क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ऐसा कंडक्टर या ऐसा अलॉय यूज़ करूँगा जिसका अल्फा बहुत छोटा हो. क्यों? क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ये देखो ऐसे चेंज होती है, ऐसे चेंज होती है, तो अगर आपकी जो अल्फा की वैल्यू किसी भी मटेरियल के लिए ज़ीरो है, मान लो ज़ीरो ही है, तो यानी कि आर टी किसके इक्वल है? आर नॉट. तो उसका टेम्परेचर के साथ इसका मतलब कोई लेना देना है ही नहीं. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं. तो अल्फा अगर लो होगा, कम होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत जल्दी चेंज नहीं होगी. तो ऐसा अलॉय यूज करूंगा जिसका अल्फा क्या होगा? कम हो, ताकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसकी वैल्यू में ज़्यादा फर्क ना आए. और यही रीज़न है कि ये जो मटीरियल हैं, ये जो मटीरियल हैं, इनकी वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है. इनका जो टेम्परेचर कोफिशेंट है वो क्या होता है? लो होता है. ऐसा क्यों? ताकि सो दैट देयर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज इवन फॉर सेवरल डिग्रीज ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो इनकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज आता नहीं. तो ये मेन रीजन क्लियर है. और हाँ, इनकी अलॉयज की बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी भी होती है. तो रो की वैल्यू इनकी हाई होती है, लेकिन अल्फा की वैल्यू इनकी लो होती है. ये इनके फैक्ट्स आपने याद करने हैं. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक. और दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाई, एक और रीज़न है, बाय एटमोस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर या जो भी है, इनके साथ इनका कोई फर्क पड़ता नहीं है. मेन रीज़न तो वही है अल्फा वाला जो मैंने आपको बताया है. ठीक. एक है सुपर कंडक्टर्स. बात हो रही थी मेटल की, मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सेमी कंडक्टर की कम होती है टेम्परेचर के साथ, सुपर कंडक्टर. अब कोई कहता है मैं एक कंडक्टर लेके आता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर गिराऊंगा मेरी रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर और कम करूंगा रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर और कम करूंगा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इतना कम कर दूंगा कि रेजिस्टेंस कम 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 होते होते नेग्लिजिबल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो सकता, स्पेशल कंडीशन पे अगर ऐसा हो जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, इतना लो टेम्परेचर कर दिया, तो उस लो टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर को जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. और अब वो मेटल क्या बन गया, या वो कंडक्टर क्या बन गया? सुपर कंडक्टर. जैसे एक जो
फिल्मों में मैन क्या बन गया, सुपरमैन, उस पर स्पेशल कुछ पावर्स आ गई, ऐसे ही इसमें क्या हो गया, सुपर कंडक्टर, स्पेशल पावर आ गई इसके ऊपर कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो। आप कहोगे उससे क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल तो होता नहीं, लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया, सुपर कंडक्टर बनाने की कोशिश की और उसके अंदर करंट को छोड़ा गया, हल्का सा करंट दिया गया उसे, बैटरी को हटा लिया, करंट कब कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट से करंट को ख़त्म कर देती है, सुपर कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, कई साल तक वो करंट उसमें दौड़ता ही रहा, ख़त्म कैसे होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोलिजन ही नहीं है, जब कोलिजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करंट पैदा हो गया तो हो गया, तो ये सुपर कंडक्टर है, ठीक। तो ये रहा रेजिस्टिविटी, रो बिकम जीरो बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी रो फॉलोज द ट्रेंड ऑफ नॉर्मल मेटल, तो क्रिटिकल के नीचे तो सुपर कंडक्टर है, क्रिटिकल के ऊपर नॉर्मल मेटल है, तो नॉर्मल मेटल का ग्राफ ऐसे बनता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का, सुपर कंडक्टर का टीसी, टीसी का मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल के नीचे तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिटिकल के नीचे तो रो क्या हो जाएगा, जीरो, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा मेटल की तरह, लेकिन क्रिटिकल को बीच में लाना पड़ेगा सुपर कंडक्टर का, तो सुपर कंडक्टर की जो रो की वैल्यू है वो क्रिटिकल से नीचे नहीं होगी, वैसे वेरिएशन कंडक्टर वाली ही रहती है इसकी, ठीक। ये दो ग्राफ्स हैं सुपर कंडक्टर और नॉर्मल मेटल के। नेक्स्ट है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन अ सुपर कंडक्टर इट कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी अप्लाइड ईएमएफ फॉर सेवरल ईयर, बताया मैंने, बहुत देर के लिए रह सकता है करंट अगर उसमें हम सुपर कंडक्टर को यूज करें। क्रिटिकल टेम्परेचर डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो ये भी मेंटेन कौन करेगा, मतलब हर वक्त ही वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो सकता है, ठीक। एक अफेक्ट है जिसको बोलते हैं मेसनर्स अफेक्ट, एक नंबर में एनसीईआरटी में आ सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मेसनर्स अफेक्ट क्या होता है, ये वैसे मैग्नेटिक अफेक्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से नहीं। होता क्या है कि नॉर्मल मेटल है और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में की, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। नॉर्मली किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें से क्रॉस करती हैं, लेकिन जब वो सुपर कंडक्टर हो जाता है, देखो टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल तो यानी कि वो नॉर्मल कंडक्टर है, इफ टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल इसका मतलब वो सुपर कंडक्टर है, तो जैसे वो सुपर कंडक्टर बनता है तो कोई भी लाइन उसको क्रॉस नहीं कर पाती, उसके साइड से निकल जाती है, क्योंकि वो क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। तो इस अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कौन सा अफेक्ट है, मेसनर्स अफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट बताया मैंने कि नॉर्मल कंडक्टर में तो पास होती हैं, सुपर कंडक्टर में ये पास नहीं होती। तो ऐसे केस में व्हेन सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट, मान लो एक मेटल कंडक्टर क्या बन गया, सुपर कंडक्टर, तो वो मेटल क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक, तो यानी कि वो क्या बन जाता है, डाइलेक्ट्रिक। तो इस पूरे इफेक्ट को कि जब एक नॉर्मल कंडक्टर या कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं करती और वो मेटल कैसे एक्ट करता है लाइक डाइलेक्ट्रिक, तो इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेसनर इफेक्ट। बस ये रिजल्ट है। सुपर कंडक्टर के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कोई भी, आपको कोई नहीं पूछेगा सुपर कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर्स पे आएगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, ये रहा द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट वाला, तो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ कोई टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133, तो रेजिस्टेंस
150 डिग्री पे गिवन है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू उसने हमें दे दी। तो आपको इस क्वेश्चन में 150 पे 133 रेजिस्टेंस गिवन है, राइट। तो देखो देखो रेजिस्टेंस एट 150 डिग्री सेल्सियस कितने गिवन है, 133 ओम्स। रेजिस्टेंस किस पे निकालनी है, 500 पे निकालनी है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? और आपको इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है, जो भी है वो गिवन है, ठीक है यहां तक। तो नॉर्मली लोग रिजल्ट ऐसे लगाते हैं कि रेजिस्टेंस, ध्यान से इधर, एट 500 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 150, 1 प्लस अल्फा इनटू 500 माइनस 150। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं लगाना, नहीं लगाना। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस एट टी, यहां पर हमेशा क्या लिया जाता है, रेजिस्टेंस एट जीरो इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो हम बेस हमेशा आर जीरो से लेते हैं। जैसे केस नंबर वन, केस नंबर वन में टेम्परेचर कितना है, 150। तो मैं ये अज्यूम करूंगा पहले केस में टेम्परेचर जीरो से 150 हुआ है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस एट 150 इज रेजिस्टेंस एट जीरो 1 प्लस 150 माइनस जीरो। क्या स्टेप समझ में आया पहला? तो आपने अगर ये उसने बोला कि रेजिस्टेंस 150 पे 133 है, तो इसका मतलब उसका बेस क्या लिया, जीरो ही लिया। और ऐसी केस टू में उसने बोला कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कितने, 500, तो मैं एज्यूम करूंगा 0 से 500, यानी कि रेजिस्टेंस एट 500 इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा इनटू 500 माइनस 0। क्या स्टेप सबको क्लियर है? चेक करो प्लीज, ऑनलाइन वालों क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, वहां केस 1 में अल्फा भी आएगा? अल्फा तो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है ना, और मटेरियल तो चेंज ही नहीं हो रहा, दोनों केस में टंगस्टन ही तो है, तो टंगस्टन चेंज नहीं हो रहा, अल्फा विल रिमेन सेम दोनों में। सर वहां जहां आपने अच्छा अल्फा नहीं दिया, अच्छा ये लो अल्फा, ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपने केस हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी काम करो, इसमें रेजिस्टेंस एट 150 कितनी है, 133, ये निकालना है। आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे ना, देखो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो ये कर दिया डिवाइड, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो यहां से आर ऑफ 500 कैन बी कैलकुलेटेड, डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर 500 आएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको यहां तक? सर बोलो। सर अगर ये केस जीरो से ही स्टार्ट करना होता तो हम ये डेल्टा टी लेते ही क्यों है, डायरेक्ट टी पुट नहीं कर सकते? वो आपका शॉर्टकट, आप ले सकते हो, आप लो, जीरो से स्टार्ट करना है बेस फॉर्मूला, आर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आर जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये लो करके देखो, ये देखो इस क्वेश्चन को करो, देखो इस क्वेश्चन को करो, ये लो 38 प्रॉब्लम को करना प्लीज़।
38th प्रॉब्लम, तो इक्वेशन क्या बनेगी कि एट व्हाट टेम्परेचर, तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर टी निकालना है, तो एट व्हाट टेम्परेचर का मतलब टी निकालना है। वुड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट ज़ीरो, तो यानी कि जब टेम्परेचर ज़ीरो था तो रेजिस्टेंस आर थी, मुझे टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितनी लेनी है, ट्वाइस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गई डबल, और मुझे टी टेम्परेचर इस क्वेश्चन में निकालना है, और बस यही है। और अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी, ये अल्फा की वैल्यू मुझे कॉपर की गिवन है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, रेजिस्टेंस एट टी इज रेजिस्टेंस एट ज़ीरो वन प्लस अल्फा इनटू टी माइनस ज़ीरो, या टी लिख दो एक ही बात है, तो इसकी रेजिस्टेंस डबल हो गई आर, अगर पहले आर नॉट है अब टू आर नॉट है, ये देखो ये टू आर नॉट हो गई, वन प्लस अल्फा इनटू टी, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसल, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या रेजिस्टेंस की वैल्यूज कैसे काम करेंगी इसमें, ठीक है यहाँ तक, ठीक, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज, क्यों, क्योंकि अल्फा शेप और साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है, छोटा मटेरियल बड़ा मटेरियल, अगर कॉपर है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अल्फा विल रिमेन सेम, तो शेप और साइज इसमें मैटर नहीं करती। तो इस क्वेश्चन को देखें प्लेटिनम वाले को, इसे प्लीज सॉल्व करें और ट्राई करें आंसर निकालें।
है रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, देखो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। ये आइस पॉइंट क्या होता है, यानी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस गिवन है, तो क्या लिखें, आर 0। एंड स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस गिवन है 5.23। ठीक, व्हाट व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन, तो आपको टेम्परेचर बता बाथ का कितना है। पहले केस नंबर वन करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 डिग्री के ऊपर हमें गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस एट 100, 0, 1 प्लस अल्फा इनटू 100 माइनस 0। तो आपको इस क्वेश्चन में ये भी पता है और ये भी पता है, तो आप सॉल्व करके क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा, अल्फा नहीं गिवन ना क्वेश्चन में, तो पहली इक्वेशन से क्या आएगा, अल्फा। अब आपको सेकेंड इक्वेशन बतानी है रेजिस्टेंस एट टी, हॉट बार टब पर रेजिस्टेंस टी हो गई, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 0। आपको इस क्वेश्चन में टेम्परेचर बताना है, आपको इसमें रेजिस्टेंस पता है कितनी, 5.795। रेजिस्टेंस 0 पे पता है कितनी, 5। अब अल्फा की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट से निकाल देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर टी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, पहली इक्वेशन से क्या निकलेगा, अल्फा, दूसरी इक्वेशन में अल्फा पुट करके क्या निकलेगा, टेम्परेचर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इन इक्वेशन को कैसे यूज करना है, आइडिया क्लियर है, तो इस शीट में बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप लोग, करने पड़ेंगे आपको ट्राई, तो बाकी आपको होमवर्क है, इसको आपने ट्राई करना है और प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में और कॉम्पिटिशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रेजिस्टेंस को लेके, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है।